इस गहन सन्नाटे को तोड़ने के लिए कोई बुलंद आवाज उठाए। उमस बहुत है, चलो आंधियां लाए। पाबंदी इसलिए कि शासन को हरेक की भावना का ख्याल रखना होता है। और कलाकार, कलाकार की भावना का कोई अर्थ नहीं है। मैंने ये कब कहा? पर चाहे फिल्म हो या किताब हो, खुली छूट तो नहीं दी जा सकती। और ये इतना बड़ा सेंसर बोर्ड किस लिए बैठाया है, जब सारे फैसले भीड़ को ही करने हैं? वो माफ कीजिएगा, चाहे जैसा और जिसकी ओर से भी विरोध हो, फैसले तो राजनीतिक समीकरण के मद्देनजर ही होते हैं। पाबंदी के फैसले जनता की भावना और संविधान के तहत किए जाते हैं। वाह वाह वाह, फिल्म रिलीज होने के पहले ही जनता की भावना समझ ली जाती, क्या बात है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि प्रजातंत्र में विरोध करने का भी अधिकार है, पर किस तरह? पत्थर फेंककर, पोस्टर जलाकर, आग लगाकर? आपका मतलब है आलोचना नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जानकार लोगों के द्वारा, मीडिया के माध्यम से। मैं भी सहमत हूँ आलोचना से, लेकिन अंध विरोध और हिंसा और उससे भय खाकर सरकार द्वारा बंदिशें लगाना बेहद अलोकतांत्रिक है। हम अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्रुति, तुम भी ना बुला लेना था ना किसी को। कोई बात नहीं बाबू। अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हें भी यहाँ पर बैठना है कि रूम में ले जाना? No. गुड गर्ल, चलो चलो। वैसे भी डिनर का टाइम तो हो ही रहा था। बिल्कुल भी स्पाइसी खाने से मना कर रखा है, लेकिन मैंने वहां से बात कर ली है, तुम्हें थोड़ा चाउमीन तो मिल ही जाएगा। तो अंकल फिर यही सही रहेगा, मैं 1 बजे स्टूडियो से गाड़ी भेज दूंगा, आप श्रुति के साथ मम्मा को उनके ऑफिस से पिक कर लीजिएगा, आराम से 1:30 बजे तक आप डॉक्टर अंकल के क्लिनिक पहुंच जाएंगे। अरे भाई, हो सके तो 10-15 मिनट पहले ही भेज देना, आज ये कश्ती साहब की नई बुक को लेकर के विरोध प्रदर्शन है, क्या पता कहीं पुतला उतला फूंकने लग गए तो जाम लग जाएगा। क्यों भैया, अब किताबों से क्या प्रॉब्लम है इनको? क्या माया, तुम भी ना कमाल करती हो। अरे भाई, धार्मिक और सामाजिक ठेकेदारों का भी कोई फर्ज है या नहीं? भाई गलती से अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा देख पढ़ लिया तो तुम्हारे चरित्र का ध्यान कौन रखेगा माया? चलो भैया, ठेकेदारों को करने तो हमारे चरित्र की रखा, हम तो चले अपनी ड्यूटी बजा। चलो बेटा, लेट हुआ, अपना ख्याल रखना, महंगाई की मार बरकरार। सालवे जी ने कहा सीबीआई लोकपाल से बाहर, चलती बस में फिर हुआ बलात्कार, दिल्ली में 3 तिब्बती एक्टिविस्ट गिरफ्तार। श्रुति बेटा, बोलो डेमोक्रेसी की जय जयकार। आई अंडरस्टैंड माया जी, बट इस तरह के केसेस में कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। आई एम ग्लैड दैट शी इज एन यूनिलैटरल पैरालिटिक, शी इज नॉट फुल्ली वेजिटेबल। ये सुन सकती है और काफी हद तक समझ भी सकती है, सोच भी सकती है। बाकी जो और फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं वो धीरे धीरे ठीक हो सकती है। यस डॉक्टर, वरना उस हादसे में आज की जो हालत हुई थी लगा जैसे श्रुति भी। बी ब्रेव माया, सब ठीक हो जाएगा। एंड डॉक्टर, you were telling about some surgery in this case. Oh yes, Dr. Gupta next month thankfully India aa rahe hain,
और उनके ओपिनियन के हिसाब से ये जो ब्लड क्लॉट है इसके रिमूव करने से बहुत जल्दी श्रुति में रिकवरी आएगी। बाकी बोलने की समस्या तो फिजियोथेरेपी की हेल्प से ठीक की जा सकती है। इट्स अ गुड न्यूज। और इसके बाद तो श्रुति फिर अपनी इंकलाबी कविताओं से हमें बोर करने लगेगी। क्यों श्रुति? श्रुति श्रुति बेटा, तुम्हारे ऑपरेशन के बाद तो मैं वापस चला जाऊंगा। मेरे जाने के बाद माया का ख्याल तुम्ही को रखना होगा। रखोगी ना? मैंने तुम्हारी वो कविता पढ़ी, उमस बहुत है चलो कुछ आंधिया लाए। तुम्हारे अंदर अपने वो पापा वाली आग है, इसको कभी बुझने मत देना। जैसा तुम जो भी हो ना बोल छे, मेरी कलम रुकने के लिए नहीं चलती है। आंदोलन तो कवर हो के रहेगा, रोक सको तो रोक लो। जब ठीक हो जाओ तो लिखना मत छोड़ना, कंटिन्यू रखना उसको। अफसोस इस देश को अब नेताओं की नहीं कुछ मशालों की सख्त जरूरत है। लो अपने खालिद साहब भी आ गए। सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम। और श्रुति बेटा कैसे हो? और जनाब आप? बस सब ठीक है खालिद साहब। अरे खालिद साहब, आपका वो एफबी वाला इंसिडेंट पड़ा, बड़ा अफसोस हुआ पढ़ के। क्या बताएं जनाब, जो ना होना था वो हो। एफबी पे कमेंट क्या लिख दिया थाने के सैरो, अब तो बेगम ने भी बंदिशें लगा दी हैं, जबान सिलसिली है। बकौल गालिब, होता रहे सबो रोज तमाशा मेरे आगे, मगर हम चुप रहेंगे। अच्छा सती बेटा, अल्लाह हाफिज भाई। मणिपुर में हुए एक ब्लास्ट में 10 जवान घायल। कार्टूनिस्ट शुभंकर दास को देशद्रोह के अपराध में कैद। शुभंकर दास पे इल्जाम है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में जो कार्टून बनाए वो सदन का अपमान है। पीसीआई के वकील का कहना है कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है, ये कलाकार की अभिव्यक्ति के अधिकार के खिलाफ है। फिलहाल कार्टूनिस्ट शुभंकर पुलिस हिरासत में है। क्या करूं माया, चुप बैठ जाऊं क्या? सच ही तो लिख रहा हूं, क्या करेंगे ज्यादा ज्यादा, जेल में ठूस देंगे। नथिंग टू वरी, सच कुछ दवाइयां लिख देता हूं, नींद आ जाएगी। दिमाग पे कुछ जोर पड़ा है, इमोशनल स्ट्रेस है। जब मैं रूम में आई और इसे बेहोश देखा तो टीवी पे शुभंकर की न्यूज आ रही थी। शुभंकर वो कार्टूनिस्ट? यस डॉक्टर, श्रुति के बचपन का फ्रेंड है, काफी करीबी, आज ही अरेस्ट हो गया देशद्रोह के इल्जाम। देशद्रोह? कमाल है, क्या करे बेचारा, भगवान ने दिल दे दिया साथ में दिमाग भी, लेकिन हाजमा अच्छा नहीं दिया, नहीं हजम कर पाया देश की फजीहत, बना दिए कुछ कार्टून। हाँ शायद सही कहा है कृष्णी साहब, कल्चरल इमरजेंसी का दौर आ रहा है इंडिया में। फ्रीडम टू राइट स्पीक एक्सप्रेस नॉनसेंस, हमें क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सोचना है, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, हर चीज हमारे बिहाफ पे सारा कोई और ही डिसाइड कर रहा है। रिडिक्यूलस। साजिशें चल रही हैं जनाब बेजुबान नस्लें पैदा करने की। वेलकम टू द फास्टेस्ट इमर्जिंग न्यू तालिबान, उभरते हुए नए तालिबान में आपका स्वागत है। चीयर्स। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कह सकते, क्या सुन सकते, सब कुछ मना है। कंफर्म हो गया है पीएसडी को ऑपरेशन एबिलिटी, कल से एडमिट होना होगा। आई होप कि मेरी एंजल इसके बाद पहले जैसी हो जाएगी। सुना है डॉक्टर गुप्ता के हाथ में जादू है, बहुत ही सो जाना आज, ओके?
सिर्फ फोन पर या मेल वगैरह भी? नहीं, मेल नहीं, दो तीन फोन आए थे आज। पुलिस? एसीपी से मिला था, देखेंगे बोल के टाल के। तुम भी तो ना, जब आंदोलन खत्म हो गया था तो क्या जरूरत थी आर्टिकल लिखने की? क्या लिखा था? वो सरकारों ने तो आंदोलन की करने की बेइज्जती कर रखी। तो क्या गलत किया सर? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर गवर्नमेंट, यही तो करते हैं वो। टाइम बाय करते रहो, रोजमर्रा की मुसीबतें और महंगाई के थप्पड़ जड़ते रहो। जानती है, चार दिन बैठेंगे जंतर मंतर में, फिर लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात है। फिर लो पंगा, झेलो धमकियां। एनीवे, मैं डीएसपी से बात करता हूँ प्रोटेक्शन के बारे में, लेकिन तब तक यू टेक केयर और इसका भी ख्याल रखो। Good.
सोचने पे बंदिशे हो। अंकल सॉरी, नहीं यह ना मुझे इस नए तालिबान में रहना ही नहीं मुझे यहाँ होना ही नहीं मुझे कुछ बोलने लिखने और सोचने लायक Love you all. फनकार है